हेलो गाइज, वेलकम बैक सुनील ऑटोकार। सो आज हम लोग बात करने वाले 7-सीटर फैंटम सॉलिड एसयूवी कार महिंद्रा बोलेरो नियो के बारे में। एंड आज आप सभी के सामने खड़ा है इसका सबसे लोअर बेस मॉडल N4। तो इसी को आज हम लोग डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे और साथ ही में बात करेंगे इस गाड़ी की प्राइसिंग की एंड फीचर्स के बारे में। तो भाई साहब, ये इसका बेस मॉडल जो है ना 9,64,000 से शुरू स्टार्ट हो जाएगा एंड इसका टॉप मॉडल जो N10 ऑप्शनल आएगा वो जाएगा भाई 13 लाख प्लस तक ऑन रोड लखनऊ। एंड देखने में एकदम मस्कुलर सी लग रही, पूरा रगड़ फील आपको आने वाला है इस कार के साथ। व्हाइट कलर में आपके सामने खड़ी है, व्हाइट, ब्लैक, सिल्वर एंड रॉकी विंग जैसे आपको उसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इंजन ऑप्शन आपको इसमें से मिलता है एक, वही 1.5 लीटर का, यहाँ पे एमहॉक डीजल इंजन ऑप्शन जिसमें मैनुअल ट्रांसमिशन में देखने को मिलेगी ये हमारी कार। वेरिएंट्स यहाँ पे आपको इसमें चार मिलते हैं। इसका बेस रहेगा N4 जो आप देख रहे हैं, इसके बाद N8, N10 एंड N10 ऑप्शनल इसका रहेगा टॉप मॉडल। सबसे पहले आएंगे इसकी फ्रंट ग्रिल की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे इस बेस मॉडल में पूरी ब्लैकआउट इसकी रहेगी यहाँ पे ग्रिल महिंद्रा का, यहाँ पे आपको बड़े सा लोगो देखने को मिलता है। देन जब आते हैं हेडलाइट्स की तरफ तो नॉर्मल से यहाँ पे हैलोजन रिफ्लेक्टर बेस, यहाँ पे हेडलाइट्स का पूरा सेटअप। टॉप मॉडल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको उसमें ऊपर की तरफ VRS वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे और साइड में पे देखेंगे तो इंडिकेटर्स वगैरह की आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे भाई साहब बेस मॉडल तो जाहिर सी बात है फॉग लैंप्स वगैरह नहीं रहेंगे, बाद में चाहें तो एज एक्सेसरीज यहाँ पे लगवा सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये था इसका पूरा फ्रंट फीचर। यहाँ पे देखेंगे तो लोअर ग्रिल वगैरह पूरी यहाँ पे ब्लैकआउट रहती है, यहाँ पे रहेगा इसमें टोइंग का ऑप्शन। नीचे का ऐसा कुछ यहाँ पे दिखता है इसका फ्रंट इंजन एंड सस्पेंशन सेटअप। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए अगर इस गाड़ी की, तो भाई साहब आपको उसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलने वाला है इस कार के साथ, जो इस कार के हिसाब से भाई साहब थोड़ा उसमें थोड़ा और ज़्यादा इसका ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए था। की बात करें तो इस तरह फ्लिप आपको ये डमी नॉर्मल की मिलेगी, कोई भी यहाँ पर रिमोट सेंटर लॉकिंग की नहीं रहेगी, पीछे रहेगा महिंद्रा का लोगो। आगे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट। आगे की तरफ यहाँ पर रहेगा पावर एंडीना, बाकी यहाँ पे प्लेन रूफ रहेगी, रूफ रेल्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगी इस वेरिएंट के साथ। तो अब आते हैं गाड़ी के यहाँ पे साइड प्रोफाइल की तरफ। तो इस तरह साइड से आपको देखने को मिलता है इसका पूरा ये बेस मॉडल। तो अगर आप भी भाई साहब कम बजट में पूरा चाह रहे बोलेरो न्यू का फील, तो आप जा सकते हैं इसके इस वाले वेरिएंट के साथ। बाद में चाहें तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें मॉडिफाइड करा सकते हैं, यानी कि बाद में एक्सेसरीज इंस्टॉल करा सकते हैं इस कार में। व्हील कवर्स वगैरह नहीं रहेंगे, अंदर जाएंगे तो ऑडियो सिस्टम भी आपको नहीं मिलेगा। की मैंने आपको दिखा दी, यहाँ पर नॉर्मल रहती मैनुअल फिजिकल की। बाकी डायमेंशन की बात कर ले तो वही 3995 mm की आपको इस गाड़ी के यहाँ पर मिलने वाली लेंथ। बाकी सारी डायमेंशन आपको सोंगी ऑन स्क्रीन। यहाँ पे पूरी देख रहे हैं क्लाइडिंग वगैरह आपको देखने को मिलने वाली है। इधर जाते हैं तो फेंडर पे आपको मिलती है यहाँ पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। ORB में आपको यहाँ पे ब्लैकआउट दिए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आपको मिलती है। मैनुअली एडजस्टेबल एंड मैनुअली फोल्डेबल रहेंगे इसके ये ORBMs। ए पिलर वगैरह भी देखते हैं तो सेम बॉडी कलर, यहाँ पे 15 इंच के स्टील में आपको देखने को मिलने वाले हैं। व्हील कवर्स वगैरह नहीं रहेंगे, बाद में चाहें तो ये भी यहाँ पे लगवा सकते हैं। तो ये आपने देखे यहाँ पे इसके 15 इंच के नॉर्मल से स्टील। आगे बढ़ेंगे तो हैंडल्स वगैरह आपको यहाँ पे मिलने वाले मैट ब्लैक फिनिश में। बाकी अंदर की बात की जाए ना तो भाई साहब पूरा डुअल टोन में डैशबोर्ड तो है, बट इसका बेस मॉडल है तो यहाँ पे पूरा आपको खाली सा मिलेगा। ये जो देख रहे हैं ना ये भाई साहब बाद में लगाया गया एज अ एक्सेसरीज। बाकी स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स वगैरह नहीं रहेंगे इस बेस मॉडल के साथ। चलिए इसको यहाँ पे बंद करते हैं। एंड वी पिलर्स वगैरह देख रहे ना सेम बॉडी कलर यहाँ पे रहने वाले हैं। डोर वाइजर वगैरह भी, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे वैसे बाद में लगाई गई इस वेरिएंट के साथ। पीछे आते हैं यहाँ पे इसका फ्यूल फिलर कैप, 50 लीटर आपको उसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी जहाँ से आप उसमें डीजल फिल कराएंगे। डीजल के साथ साथ आपको यूरिया भी डलवाना पड़ेगा इस कार में। ये रहेगा इसका पीछे वाला पूरा व्हील, ये आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स मिलता है, आगे डिस्क ब्रेक्स रहेंगे इस कार के साथ। बाकी इधर से अगर आपको दिखाएं ये रहने वाली गाड़ी के यहाँ पे प्रॉपर पूरी बैक प्रोफाइल। व्हील बेस की बात की जाए तो 2680 mm का व्हील बेस यहाँ पे देखने को मिलने वाला है इस बोलेरो नियो के साथ। तो बैक प्रोफाइल से भी भाई साहब काफ़ी सही से लग रही है, हालांकि जो पुराने वाली बोलेरो आती है उससे थोड़ी आपको यहाँ पे मॉडर्न लुक्स देखने को मिलने वाले हैं इस कार के साथ। सबसे पहले इसका स्प्रे व्हील देखते ना, तो यहाँ पर रहेगा महिंद्रा का लोगो, बोलेरो की बैजिंग और इसके बाद साइड में यहाँ पे देखेंगे तो N4 वेरिएंट है, उसके यहाँ पे बैजिंग रहेगी। ये इसकी बैकलाइट नॉर्मल वही हैलोजन बल्ब वाली आपको देखने को मिल जाएगी। इस साइड आएंगे तो यहाँ पे बोलेरो नियो की बैजिंग, हैंडल सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं मैट ब्लैक फिनिश में। बाकी यहाँ पे भाई साहब N4 वेरिएंट में आपको कोई भी रियर वाइपर डिफॉगर का ऑप्शन नहीं मिलेगा इस कार में। हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो सेम बॉडी कलर आपको बम्पर पर मिल जाता है इस बेस मॉडल के भी साथ, यानी कि बेस मॉडल में भी देख रहे हैं तो आपको सेम बॉडी कलर यहाँ पर बम्पर मिलेगा इस कार में। दोनों तरफ यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स वगैरह, दो दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर रहेंगे एंड यहीं पर देखेंगे टोइंग का ऑप्शन। लेग गार्ड वगैरह अगेन ये सब एक्सेसरीज के यहाँ पे पार्ट रहने वाला है, क्योंकि भाई गाड़ी की होने वाली डिलीवरी तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल कर दी गई हैं पूरा यहाँ पे इसका रियर सस्पेंशन सेटअप। तो बैक से आपने देख लिया, अभी चलते हैं इसके भाई साहब बूट स्पेस की तरफ, या बोलिए इसकी लास्ट वाली रो। खोलेंगे सबसे पहले इसके गेट को, इस तरह यहाँ पे देखेंगे इसकी पूरी ये डोर, यहाँ पे हैंडल, ये डोर ओपनर पूरा मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिया गया है। इंटरफेस सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे रहने वाला है। अगर इन दोनों सीट्स को आप फोल्ड कर देंगे ना तब आपको मिलेगा 384 लीटर का बूट स्पेस, यानी कि 384 लीटर का। अगर आप बैठना चाहते हो, अगर आपको बैठ किसका प्रॉपर यूज़ करना है, मान लीजिए 7 लोग ट्रेवल करें तो इस तरह कुछ 2 लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे आमने सामने इंटरफेस होके। बाकी अगर इसको इस तरह फोल्ड करना चाहे तो फोल्ड भी वाइस अप कर सकते हैं और आगे का इस तरह पूरा आपको व्यू दिखेगा यहाँ पे इसके डैशबोर्ड का। ये वाली सीट भाई बहुत लोग पूछते हैं फोल्डेबल है कि नहीं, तो भाई साहब यहाँ पे देखेंगे ना कोई भी आपको फोल्ड करने का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, यानी कि फिक्स रहेगी इसकी बेंच सीट। चलिए ये आपने देख लिया, इसको चाहे तो हल्का सा से खोल भी सकते हैं।
अब निकलते हैं गाड़ी के बाहर, फिर चलते हैं आगे। तो भाई साहब यहाँ पे इसका ऐसे यूज़ कर सकते हैं, सात लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बड़े सब दो लोग बैठे, अदरवाइज इन दोनों को इस तरह पलटा के भाई साहब फोल्ड कर दीजिए, बढ़िया सा 384 लीटर का बोर्ड स्पेस मिल जाएगा आपको इस कार में। यहाँ पे भी देखेंगे तो इसमें भी आपको चाइल्ड लॉक्स वगैरह देखने को मिलता है इसके बूट गेट में। इसको करते हैं अभी बंद। बाकी इसके अगर रेवल्स की बात की जाए तो भाई साहब इस तरह रफ एंड टफ आपको दूसरी कार तो नहीं मिलेगी इस सेगमेंट में। हालांकि आप जाते हैं तो मारुति एर्टिगा वगैरह का आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रेनो ट्रैवल की बात की जाए तो भाई साहब इसके बगल में तो खड़ी नहीं होगी, क्योंकि आपको उसमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑप्शन। तो पावर फिगर से देखें या लुक्स वाइज देखें तो उससे तो भाई साहब इसका कोई भी कॉम्पिटिशन बनता ही नहीं है। और वारंटी वगैरह की बात कर लीजिए तो वही 3 साल 1 लाख किलोमीटर की आपको वारंटी देखने को मिल जाएगी इस कार के साथ। अभी ये चलते इसके सेकंड वाली रो पे बैठ के देखते हैं कैसा कुछ स्पेस रहेगा। ये रहेगी यहाँ पे इसकी डोर, ये देखेंगे पावर विंडो का कंट्रोल, डोर ओपनर पूरा मैट ब्लैक फिनिश में दिया गया, उसी तरह हैंडल। नीचे यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह बाद में लगवा सकते हैं, यहाँ पे रहेगा बॉटल होल्डर का स्पेस। तो आइए बैठते गाड़ी के अंदर। ये रहेगा भाई साहब आगे का पूरा डैशबोर्ड का पे व्यू। इस गाड़ी में कोई भी आपको रियर इसीवेंट्स नहीं मिलेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे इसका वीक पॉइंट रहता है, क्योंकि भाई साहब यहाँ हो या थर्ड रो कोई भी रियर इसीवेंट्स आपको नहीं मिलने वाले इस कार के साथ। लेग रूम न्यू रूम बढ़िया सा रहेगा, क्योंकि 2680 मिलीमीटर का व्हील बेस है इस कार का। बाकी यहाँ पे देखेंगे पॉकेट्स वगैरह हो गए, इधर की डोर, यहाँ पे हैंडल वगैरह, पीछे का हमने आपको पूरा स्पेस दिखाई दिया बैठ के। आर्मरेस्ट वगैरह पे नहीं रहेगा भाई साहब, इसमें कटिंग दी जाती ना, क्योंकि अगर कोई अपर विंड्स में जाए तो ये कवर की यहाँ पे कोई भी भाई साहब वो न करना पड़े। चलिए अब निकलते हैं बाहर, फिर चलते हैं ड्राइवर सीट की तरफ, वहाँ से देखते हैं इस कार को। तो यहाँ पे भाई साहब तीनों बंदे आराम से बैठ जाएंगे, मतलब तीन लोग आराम से बैठेंगे इस कार में, क्योंकि भाई विथ वगैरह अच्छी खासी रहती है इस कार की। इधर आएंगे तो ये हो गया इसका हैंडल, इसको भाई साहब खोलते हैं जरा। डोल ट्रिम सेम वही डोल टोन में ब्लैक, एंड ये हो गया नीचे स्पीकर्स वगैरह बाद में लगवा लीजिए। ये रहेंगे इसके बॉटल होल्डर, ये भाई साहब 800 मीटर आपको मिलते हैं मैनुअली एडजस्टेबल एंड यहाँ पे फोल्डेबल। सीट्स वगैरह सारी फैब्रिक की रहेंगी, ये सीट कवर यहाँ पे लगे बाद में, जिसमें देख रहे ना बोलेरो न्यू की बैजिंग आपको मिल जाती है, महिंद्रा का जेन्युइन एक्सेसरीज का पार्ट रहने वाला है। सिर्फ सीट रिक्लाइनिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा इस बेस मॉडल में। नीचे यहाँ पे फील्ड ओपनर, ये देखेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन के इसके ABC पैडल्स। आगे का बोनट खोलने का लीवर यहाँ पे दिया गया है, बाकी साइड में ESS एंड यहाँ पे इको मोड का स्विच यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आइए अब लगाते हैं इसके यहाँ पे चाबी को, फिर बैठते हैं कार के अंदर। जी मैंने आपको दिखाई दी भैया डमी फ्लिप की आपको मिलेगी। चलिए तो भाई अभी यहाँ पे बैठ चुके हैं इस कार के अंदर। ये रहेगा भाई साहब इसका बेस मॉडल का पूरा अंदर का डैशबोर्ड। ये भाई साहब वैसे तो भाई खाली आपको मिलेगा, ये चाहे तो आप भी यहाँ पे बाद में लगवा सकते हैं, यहाँ पे चाहिए आप चाहे ये वाला लगवा लीजिए, चाहे एंड्रॉइड वाला, जो भी आपका बजट अलाउ करे, ये सारी चीजें आप यहाँ पे बाद में इंस्टॉल करा सकते हैं इस बेस मॉडल में। और सबसे पहले बात की जाए अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पे देखेंगे महिंद्रा का लोगो, कोई भी आपको इसमें माउंट कंट्रोल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे तो कुछ आता नहीं, यहाँ पे खाली रहेगा, तो यहाँ तो जाहिर से बात है कोई भी आपको माउंट कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे इस वेरिएंट के साथ। सबसे पहले इग्निशन तो भाई साहब ऑन करें तभी तो क्लस्टर आपको दिखाएंगे ना, तो इसको ऑन करते हैं इसका क्लस्टर पूरा अनलॉक। ये देखेंगे स्काई ब्लू कलर के यहाँ पे लाइटिंग वगैरह काफ़ी सारी, यहाँ पे देखेंगे चेक लाइट्स। इस साइड आपको इसमें मिलता है RPM मीटर, इधर स्पीडोमीटर 180 की यहाँ पर रहेगी इसमें मार्किंग। MID स्क्रीन में आपको मिलती है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, वो देखने के लिए आपको यहाँ पे जो टॉगल है ना इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये देखिए भाई साहब TPMS भी आपको मिल जाता है, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम, इसी के साथ साथ सेटिंग वगैरह हो गया, एंड यहाँ पे ट्रिप पे एंड DLF वाली यानी कि यूरिया जो पड़ता है, ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑडियो वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। एक तरफ यहाँ पे टेम्परेचर वाले बार्स, एक तरफ फील गेज वाले बार्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इस साइड यहाँ पे आपको इसमें हेडलाइट्स के सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। राइट साइड में इधर आएंगे तो यहाँ पर आएंगे वाइपर्स के कंट्रोल, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मैनुअल देखने को मिल जाएंगी। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात कर लें तो आइए जरा भाई साहब इसको चेक कर लेते हैं। ये आपको वही ये टिल्ट एडजस्टेबल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इसकी स्टीयरिंग। अब आते हैं भाई साहब इसके सेंटर कंसोल की तरफ। ये रहेगा डुअल टोन में पूरा ब्लैक, एंड ये भाई साहब ना थोड़ा आपको अलग यहाँ पे फील मिलने वाला है। हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पूरा यहाँ पे इसका डैशबोर्ड। यहाँ पे इस इवेंट्स वगैरह पूरे ब्लैक फिनिश में यहाँ पर रहने वाले इस बेस मॉडल N4 के साथ। यहाँ पे ये भाई साहब आपको पूरा खाली मिलेगा, ये यहाँ पे बाद में लगाया गया एज अ एक्सेसरीज। यहाँ पे हो गया हेडलाइट का स्विच, ये हो गया इसके मैनुअल AC के सारे कंट्रोल्स। इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, यहाँ पे छोटा मोटा स्पेस जहाँ पे अपने कॉइन्स वगैरह कुछ भी सामान रख सकते हैं। और ये इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। इस गाड़ी में आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल का ही ऑप्शन मिलेगा, इसके अलावा कोई भी आपको दूसरा ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलेगा। चारों पावर विंडोज के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए, यानी कि डोर्स भाई साहब पूरी यहाँ पे प्लेन रहेगी, इसके सारे कंट्रोल्स आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो भाई साहब बेसिक मॉडल से आप देख रहे हैं ना, चारों आपको पावर विंडोज के यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हो गई हैंड ब्रेक, एक बॉटल होल्डर, दो ग्लास होल्डर्स यहाँ पे पड़ के जाता है सेंटर में। आर्मरेस्ट वगैरह नहीं रहेगा यहाँ पे कुछ भी। इधर की देखेंगे ये हो गई डोर ट्रिम, बाकी एयरबैग्स आपको इसमें दो ही मिलेंगे, एक हो गया कॉप्स इंजन साइड, दूसरा हो गया स्टीयरिंग में। ये स्टैंडर्ड फीचर रहेगा बेस मॉडल में जाइए चाहे इसके टॉप मॉडल में, दो ही एयरबैग्स आपको मिलेंगे इस कार के सभी वेरियंट के साथ। ग्लव बॉक्स में इतना कुछ स्पेस जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। इसको करते बंद। ये रहेगी यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी, आराम से गाड़ी को ड्राइव करेंगे बम्पर टू बम्पर। यहाँ पे अपना टेम्पर रखिए, कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। नॉर्मल साइड पे IRVM मिलेगा, कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं रहेगा।
रूफ लाइट वही पीली वाली, इधर देखेंगे सनवाइजर। तो भैया यहाँ पे आपको मिलने वाला है इसमें टिकट होल्डर। चलिए इसको बंद कर दिया। इधर यहाँ पे आपको इसमें देखते तो वेंटी मिरर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी ये इसका हैंडल वगैरह पीछे का इस तरह पूरा व्यू आपको दिखेगा सेटिंग अरेंजमेंट का। तो भाई साहब पीछे तो हम लोगों ने बैठ के देख लिया कैसा कुछ स्पेस था इस हमारी 7 सीटर रफ एंड टफ सॉलिड SUV कार के साथ। तो यही था हमारा महिंद्रा बोलेरो न्यू के बेस मॉडल N4 का अंदर का पूरा डैशबोर्ड जो आपने देख लिया। कुछ चीज़ें आपको इसमें लगवानी, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ ये हो गया SXR रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की, देन व्हील कवर्स लगवाइए, उसके बाद आपकी एकदम गाड़ी हो जाएगी रेडी। चलिए ये आपने सब देख लिया, अब निकलते गाड़ी के बाद फिर बात करते इस कार के इंजन स्पेक प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। तो अब निकालते हैं सबसे पहले यहाँ पे भाई साहब इसकी चाबी को, फिर बात करते हैं इसके इंजन स्पेक के बारे में। तो इस कार में आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ डीजल का ऑप्शन, जिसमें आपको 1.5 लीटर का यहाँ पे एमहॉक इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 100 BHP की पावर एंड 260 NM का पे टॉक मिलेगा, समथिंग वही 70 KM का माइलेज इस महिंद्रा बोलेरो नियो के साथ। बाकी अगर इसकी प्राइसिंग की बात कर ली जाए इस बेस मॉडल N4 की, तो आपको पड़ने वाला है 9,64,000 XRW एंड वही जाएगा समथिंग 10,90,000 के आसपास ऑन रोड लखनऊ। सेफ्टी फीचर्स में आपको इस कार में ABS विद EBD, डुअल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड एलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, उसमें काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो भाई साहब रफ एंड टफ सॉलिड SUV कार, तो उसी हिसाब से आपको उसमें सारे फीचर्स मिलते, ज़्यादा एडवांस लेवल के आपको नहीं मिलेंगे इस कार में। तो यही था आज का हमारा वीडियो महिंद्रा बोलेरो के बेस मॉडल N4 पे। सो अगर इसके अलावा अगर आपको N8 या N10 किसी का वीडियो देखना हो तो हमारे YouTube चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो अगर आज का हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सुनील, फिर मिलता हूं आपको किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।